What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover Family. भगवत गीता का एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा आप लोग इस दुनिया को देखना चाहते हैं वैसी ही ये दुनिया आप लोगों को दिखाई देगी। आप लोगों को ये लाइफ जो है लगभग 100 ऐसे रीजन दे देगी कि आप लोगों को एक तरीके से रोने लग जाना चाहिए, अपनी लाइफ को खत्म कर देना चाहिए, आप लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी चीजें आप लोगों को डे बाय डे दिखाई देंगी। पर लेकिन अगर आप लोग इसकी पॉजिटिव साइड देखकर, अब लोग अगर ऐसे कई सारे रीजन यहां पर लाइफ को देंगे कि हाँ नहीं, मेरे पास ये रीजन है स्माइल करने के लिए, मेरे पास ये रीजन है खुश रहने के लिए, तो लाइफ आप लोगों को अच्छी लगने लगेगी। यानी कि जरा सा अगर आप लोग नजरिया चेंज कर लेंगे अपने जीने का, तो आप लोगों का नजरिया चेंज करते ही आप लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। जो चीज आप लोगों को डिप्रेसिंग लग रही है वही चीज आप लोगों को अच्छी लगने लगेगी। आप लोग अगर अपने आप को किसी न किसी ऐसे इंसान के साथ में कंपेयर करते हैं कि उस इंसान के पास में गाड़ी है, बंगला है, ये सारी चीजें, मेरे पास में क्या है, इसी के अपोजिट में अगर आप लोग उस इंसान के पास साथ में अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर दें जिसके पास में कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों को लगेगा यार मेरे पास में तो बहुत कुछ है। तो इसीलिए ये सारी चीजें कंपेरेटिव होती हैं, इनको देखकर कभी भी अपनी लाइफ में डिप्रेस नहीं होना, इनको देखकर कभी टेंशन नहीं लेना है। जो काम आप लोग करना चाह रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, इतना कुछ मिलेगा लाइफ में जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। यानी कि हर एक आप लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी अगर आप लोग अपने काम पर फोकस देकर चलेंगे, और अगर कंपेयर करके इस तरीके की हरकतें करते चलेंगे तो आप लोग कोई भी अपना काम नहीं कंप्लीट करेंगे और ना ही आप लोग किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को क्या करना है। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, यह है डेनली माउंटेन। जाकर इसको मैप में निहारेगा कहां पर ये लोकेटेड है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, और हमारा ये पैटर्न रहने वाला है यहाँ पर डिस्कशन का। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग पिक्चर, ये है पहचानो कौन। तो आप लोग यहाँ पर ये बताइए ये दो पर्सनैलिटी कौन है जो आप लोगों को पिक्चर में दिखाई दे रही है, और इसका मतलब क्या है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, दो दिन पहले एक छोटा सा आर्टिकल भी आया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में बता होना चाहिए क्या चल रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये। तो इसके बारे में आप लोग बताओ कि कौन कौन है यहाँ पर ये, और इस पेंटिंग का क्या मतलब है। कल फिर इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोगों को दे दूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम से, दोनों के लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल है यहां पर मॉब लिंचिंग के बारे में। काफी दुखद घटना अभी देखने को मिली रिसेंटली, क्या आखिर कंडीशन है और क्या कोर्ट बोलता है, और हमारी कंट्री में क्या प्रॉब्लम चल रही है। मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि भीड़ के द्वारा इकट्ठा होकर किसी पर्टिकुलर इंसान की जान ले लेना। तो इसके बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, तो डिटेल में यहां पर इसके ऊपर नजर डालेंगे। नीचे वाला आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है चेन्नई में, जो अभी पानी की काफी कमी पड़ गई है। देखिए पानी की प्रॉब्लम चेन्नई में नहीं, बहुत सारे राज्य में हमारी कंट्री में देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र में भी ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आज की डेट में लोकल प्रॉब्लम नहीं रह गई है, नेशनल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बन चुकी है। तो इसको कैसे टैकल करके चलना है ये जब तक गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, ये पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों को याद होगा, हम जब आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे इलेक्शन से पहले, तो उस टाइम पर एक बड़ा ही शानदार आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में ये बात बोली गई थी कि जो इलेक्शन आने वाले हैं वो इलेक्शन कहीं ना कहीं आज के डेट में जहां जहां हमारी कंट्री में सूखा पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं उसको इग्नोर करेंगे, सब लोग इलेक्शन में बिजी रहेंगे। और जैसे ही यहां पर गवर्नमेंट चुनकर आएगी, अगर गवर्नमेंट ने कोई अच्छे स्टेप नहीं उठाए मॉनसून के आने से पहले, तो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिल सकती है। तो वही प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है। इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इन सबके लिए तो दूर की बात है, पीने के लिए भी पानी यहां पर देखने को कई एरिया में नहीं मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आ रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, यह है वोटर इंडेक्स के बारे में। वोटर इंडेक्स किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है इंडिया में, तो यह नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी तो और वही दे रखा है कि क्या क्या यहाँ पर स्टेप उठाने चाहिए चेन्नई में, तो वही सारी चीजें। देखिए सबसे बड़ी बात तो होती है जैसे मॉनसून आता है हमारी कंट्री में, तो मॉनसून का जो पानी यहाँ पर बरसता है एक तरीके से उसको कंजर्व करना चाहिए, पानी को हार्वेस्ट करना चाहिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज के में आसपास वाले एरिया में जो तालाब दिखा करते थे पहले आप लोगों ने देखे होंगे, आज के में वो काफी खत्म हो चुके हैं, उनको फिर से यहाँ पर ओपन करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से काफी फायदा होता है, पानी भी सेव रहता है, और इसी के साथ में जो वाटर टेबल है वो भी काफी हद तक आप लोगों को ऊपर आता हुआ नजर आता है। इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा फेसबुक पे मैंने कल ही शेयर की थी एक पोस्ट जिसमें हमारी कंट्री का नक्शा दिखाया गया था, और उस नक्शे के अंदर यहां पर जो पानी है वो काफी नीचे तक पहुंचा हुआ था और पानी को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं, ये इसलिए आप लोग शेयर कीजिए क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा शेयर भी किया, उसको काफी अच्छा लगा मुझे। रीजन क्या है, रीजन ये है कि बहुत सारे लोग हैं पानी को आज के डेट में बर्बाद करते हैं। आसपास वाले एरिया में आप लोगों ने देखा होगा मॉर्निंग में आप लोग उठते हैं तो छतों पर जो टंकियां हैं वो भरी रहती हैं और फ्लो होती रहती है, सामने वाला इंसान जो है टंकी को भरने के बाद भी मोटर चलता रहता है, बाहर निकल जाता है, फिर सो जाता है टंकी चलाकर। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है।
तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है। पानी जहां पर हम लोग इतनी जगह पर सेव कर सकते हैं पर लेकिन सेव नहीं कर सकते हैं, करते हैं पर लेकिन पानी को बर्बाद करते रहते हैं। तो जो आज के डेट में कॉन्सिक्वेंसेज हम लोग झेल रहे हैं ये हमारी ही गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेज आप लोग इनको बोल सकते हैं। तो जरा सी लापरवाही ये इतनी बड़ी आप लोगों के सामने प्रॉब्लम लाकर खड़ी कर देगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। तो इसलिए इसके बारे में आज नहीं सोचा तो आगे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। बाकी एक बच्चे ने बोला कि सर इंग्लिश में कुछ चीजें शेयर किया करो फेसबुक पे। देखिए यार जो भी पोस्ट मुझे अच्छी लगती है लगता है फायदा पहुंचाने वाली है, अब वो इंग्लिश में है या हिंदी में है तो यार उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करूं, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, देखिए बहुत सारी चीजें इंग्लिश में होती है, बहुत सारी चीजें हिंदी में होती हैं, तो एक तरीके से फोटो रहते हैं पिक्चर रहते हैं, मुझे लगता है शेयर कर देनी चाहिए, अच्छा लगता है तो शेयर कर देता हूं। तो इंजॉय किया कीजिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया कीजिए चीजों को, और अगर लगता है कि फायदा पहुंचा रही है तो आप लोग उससे कुछ सीखा भी कीजिए कि हाँ इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, यानी कि बस शेयर ही करना है, अपनी लाइफ में भी उसको आप लोगों को लेकर आना है। ये नेशनल, ये यहां पर जो डेटा दे रखा है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, जेल में जो कंडीशन है आज के में हमारी कंट्री की वो काफी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में पहुंच चुकी है। डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। अभी इलेक्शन हुए उसको एनालिसिस किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे। ये तुर्की में जो प्रेसिडेंट है उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है उसके बारे में है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिप इंप्लांट जो किए गए हैं रिसेंटली अभी उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन जो कि यूएसए की कंपनी है क्या प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, डिटेल में यहां पर हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को पता है राहुल गांधी जी के द्वारा अमेठी के साथ में वायनाड से इलेक्शन लड़ेंगे, तो यहां पर यह बात बताई जा रही है कि पहले वायनाड को कोई नहीं जानता था, आज के दिन में हर एक इंसान वायनाड को जानता है। तो अभी एक पर्सन है वो बता रहे, वो अपना यही बातें बता रहे हैं कि अगर मेरे से कोई पूछता है केरला में कहां से हो, वायनाड से, तो सब कहते हैं अच्छा वायनाड से हो। तो इस तरीके से आज के दिन में वायनाड को काफी लोग जान रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, डेटा पॉइंट है, नजर डालेंगे, और ये मैंने आप लोगों से पूछी है, इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले नजर डालते हैं यहाँ पर मॉब लिंचिंग का जो आर्टिकल है उसके बारे में। अभी रिसेंटली एक दुर्घटना देखने को मिली, एक यहाँ पर पर्सन था, ये यहाँ पर इसको पकड़ा गया और भीड़ के द्वारा मारा गया। इस पे आरोप ये लगाया गया है कि यहाँ पर ये चोरी करने जा रहा था और चोरी करता हुआ पकड़ा गया, चोरी करने के लिए आया था। ये जो बंदा है इसको जो मारा गया यहाँ पर, मारते मारते ये वीडियो शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, इसको ये बोला जा रहा है बोलो जय श्री राम, बोलो जय हनुमान। तो ये हरकतें यहाँ पर जो की जा रही है, तो ये काफी खतरनाक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिससे जो कम्युनिटी है वो आपस में लड़ने लगे। ये मुस्लिम कम्युनिटी का ये पर्सन था यहाँ पर, और ये काफी शानदार तरीके से यहाँ पर देखते हैं आप लोग, ये पर्टिकुलर जो पेंट जो पर्टिकुलर यहाँ पर ये कार्टून है इसमें इसको दिखाने की कोशिश की गई है। इवन श्रीराम कह रहे हैं कि भाई साहब मेरा नाम मत लो यहाँ पर। ये कंडीशन जो सोसाइटी में देखने को मिल रही है आज के डेट में, ये किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए की जाती है, वरना एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, अगर ये चोरी करने आ रहा था तो रेस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि पुलिस को पकड़ा दे इस इंसान को, पर लेकिन पहले इसको पीटा गया, फिर इसको कस्टडी में भेजा गया, और जब ये कस्टडी में गया तो वहां पर इसकी जान चली गई। तो हालांकि हॉस्पिटल में ले जाया गया, पर लेकिन ये इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो ये जो कंडीशन आज के में देखने को मिल रही है, जो मॉब लिंचिंग यहां पर निकल कर आ रही है, ये काफी खतरनाक सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं। मॉब लिंचिंग का मतलब क्या है, जब एक मॉब यानी कि भीड़ मिलकर किसी पर्टिकुलर इंसान की जान ले लेती है उसको हम लोग मॉब लिंचिंग बोलते हैं। अगर आप लोग देखें हमारी कंट्री में संविधान है, हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट है जो कि यहां पर डिसाइड करता है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जुडिशियरी सिस्टम होना चाहिए, यह सारा पैटर्न हमारी कंट्री में एक प्रॉपर वे में एक पैटर्न डिसाइड है। ऐसा नहीं है कि जिसको मन किया वो जस्टिस करने लगे, ऐसे तो जुडिशियरी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई सिस्टम जो यहां पर इतना अच्छा डेवलप किया गया उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो जो ये कंडीशन अभी देखने को मिली यहां पर, ये काफी डिस्टर्बिंग फिनोमिना आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक अलग तरीके का माहौल क्रिएट कर देती है। जय श्री राम जय हनुमान बोलने का क्या मतलब यहां पर रह गया था, अगर उसको आपने मार भी लिया था तो फिर ये जय श्री राम जय हनुमान बोलने का बेसिक पर्पज यही है कि किस तरीके से रिलीजियस यहां पर हार्मनी को बर्बाद करना है हमारी कंट्री में, ये बेसिक फोकस इसका देखने को मिलता है। ये देखिए यहां पर इसको माना गया कि यहां पर ये कुछ गलत करता हुआ पाया गया था, तो यहां पर जब इसको भेजा गया जेल में तो इस इंसान की जान चली गई। ये अलग बात है कि देखिए अब तक बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा गाय के नाम पर, गाय प्रोटेक्शन के नाम पर ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली है कि बहुत सारे लोगों की पास्ट में भी जान गई है। ये सारी जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है इनको सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि भाई साहब आप लोग कोई ऐसा लॉ बनाओ ताकि इस तरीके की हरकतें सोसाइटी में न देखने को मिले। इवन ये भी बोला था
कि आप लोग प्रिवेंटिव, प्यूनेटिव और ऐसे रेमेडियल मेजर लेकर आओ ताकि ये सिचुएशन यहां पर रोक ही जा सके। पर लेकिन पॉलिटिकल विल आप लोगों को देखने को मिल नहीं रही है, वरना अब तक इसके ऊपर एक शानदार तरीके का ला आना चाहिए था जो कि इसको रोकता कि ऐसी हरकतें हमारी सोसाइटी में न देखने को मिले, किसी को भी इस तरीके से न मारा जाए। पर लेकिन लास्ट ईयर से लेकर आज तक ये ऐसी काफी कंडीशन हमारे यहां पर देखने को मिल रही है जो कि रिलीजन के नाम पर ऐसी एक्टिविटी यहां पर की जा रही है, खासकर ये रिलीजन का जामा पहनाकर इसका फायदा उठाने की कोशिश अलग तरीके से यहां पर की जा रही है। और ये कंडीशन काफी खतरनाक है क्योंकि सोसाइटी में अगर एक बार को फूट डलनी स्टार्ट हो जाती है ना, एक बार खाई आनी स्टार्ट हो जाती है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो जो खाई है उसको भरते भरते यहां पर कमर टूट जाएगी आने वाली जनरेशन की, पर उसको भर नहीं पाएंगे अगर एक बार डिविजन यहां पर आ गया इस तरीके से हमारी कंट्री में रिलीजन के नाम पर या फिर कास्ट के नाम पर। तो ये जो इस तरीके के फंडे चल रहे हैं इनको रोकना पड़ेगा, अगर अभी नहीं रोका गया तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहां पर यह भी बोला गया था कि आप लोगों को एक नोडल ऑफिसर बनाना है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि इस तरीके की जो भी चीजें हैं उनको एकदम पिक्चर में लाया जाए और उनको एकदम रोका जा सके। पर लेकिन अब तक अगर देखेंगे किसी भी राज्य ने प्रॉपर मेजर इसको लेकर नहीं उठाए हैं, किसी ने भी अब तक इसको लेकर ला नहीं बनाया, अब तक ये सारे मेजर्स ऐसे के ऐसे जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था वैसे के वैसे पड़े हैं। जब तक कोई अच्छा सा बड़ा सा इंसिडेंट यहां पर नहीं होगा, जैसे बिहार में अभी बहुत सारे बच्चों की जान चली गई, ऐसा ही कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं होगा, बहुत सारे लोगों की जान नहीं चली जाएगी, जब तक यहां पर जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उनकी आंखें नहीं खुलेंगी और वो ऐसे ही यहां पर चीजों को इग्नोर करते रहेंगे। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में देखने को मिलती है, इग्नोर करना आज के डेट में एक कहीं ना कहीं रवैया बन चुका है, कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये क्वेश्चन भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, काफी अच्छे से क्वेश्चन आप लोग लिख रहे हैं, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है, बिल्कुल अपना जो आंसर है उसको एनालाइज कीजिए। आप लोग जैसे आंसर लिख लेते हैं ना, अगर कोई भी आप लोग का आंसर एनालाइज नहीं कर रहा है तो सबसे शानदार तरीका है आंसर लिख के रख दीजिए और एक हफ्ते बाद उसको उठाइए। अगर आप लोग डेली आंसर लिख रहे हैं तो एक हफ्ते बाद आप लोग अपने क्वेश्चन को पढ़कर अपने आप बता देंगे कहां पर इसमें गड़बड़ है, यानी कि आप लोग उस प्रोसीजर में आ जाएंगे अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने के। और यही प्रोसीजर जिस दिन आप लोगों ने डेवलप कर लिया, किसी की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी एनालाइज कराने के लिए, आप लोग खुद एनालाइज करने लगेंगे। दूसरे का आंसर पढ़िए, जो कोई दूसरा भी लिख रहा है वहां से देखिए क्या पॉइंट है, अपना फिर खुद आंसर पढ़िए। ये एक शानदार तरीका है, पर लेकिन थोड़ा मेहनत का तरीका है, और अगर आप लोग मेहनत करना एक बार सीख जाएंगे तो ये मेहनत ही यहां पर है, शॉर्टकट से किसी का भला नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी हुआ क्या, इलेक्शन हमारी कंट्री में चल रहे थे, तो इलेक्शन के चलते यहां पर एक रिपोर्ट निकल कर आई, ये रिपोर्ट जो थी यहां पर ये प्रिजनर जो है हमारी कंट्री में जो जेल में कैदी है उसके रिलेटेड यहां पर यह डेटा निकाला गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, पर लेकिन ये जो है ये अननोटिस रह गया, यानी किसी ने इसके ऊपर फोकस नहीं दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्शन चल रहे थे, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। आप लोगों को कमेंट करना है आखिर कैसे यहां पर हमारी कंट्री में सिचुएशन है, कंडीशन है, इस डेटा को एनालिसिस करके। तो इस डेटा के बारे में अभी जानेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों के सामने यहां पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में, यह एक तरीके की एजेंसी है जो हमारी कंट्री में डेटा इकट्ठा करती है, खासकर इंडियन पीनल कोड और जो स्पेशल लॉ या फिर लोकल लॉ है उनसे रिलेटेड जो भी यहां पर डेटा निकल कर आता है उसको इकट्ठा किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है जो कि राजनाथ सिंह जी के अंडर में है। इसको बनाया गया था 11 अप्रैल 1986 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यहां पर रामपाल पवार आईपीएस डायरेक्टर है आज के डेट में के, और इसका जो मोटो है वो है इंपावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि एक तरीके से जो हमारी कंट्री की जो पुलिस है उसको इंपावर करना आप लोग बोल सकते हैं। जो ये पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आती है, ये आप लोग जान ही रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बात यही कही जा रही है कि देखिए जब भी कोई इस तरह का डेटा आता है तो उसको पब्लिक में रखना चाहिए और ज्यादा उसको ओपन करना चाहिए ताकि सब अंडरस्टैंड कर सके, वरना इलेक्शन जैसे मुद्दों में यहां पर अगर इंपॉर्टेंट डेटा ऐसे दबे रह जाते हैं तो फिर जनता उसको समझ नहीं पाएगी। ये जो रिपोर्ट है ये कई सारे एरिया में क्वेश्चन मार्क यहां पर लगाती है। आज की डेट में अगर आप लोग देखते हैं 2016 के एंड तक का अगर डेटा आप लोग देखें, यहां पर 4,33,000 यहां पर 4,33,033 ये इतने सारे जो लोग हैं आज के डेट में जेल में हैं, यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोग 4.5 लाख लोग बोल सकते हैं, यानी कि 4 लाख के करीब जो आज के डेट में लोग यहां पर ये जेल में हैं, उसमें से अगर आप लोग देखेंगे 68% या फिर मोटे मोटे तौर पर याद रख लीजिए डेटा, अगर आप लोग एग्जाम में यूज करना है तो अप्रोक्सीमेट या फिर आप लोग वर्ड क्या यूज करना है जिसे आंसर लिखते हैं, तो ये डेटा एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, आप लोग लिख सकते हैं नियरली 70%, ठीक है, नियरली 4 लाख या फिर आप लोग नियरली 4,50,000, तो इस तरीके से डेटा को आप लोग यूज कर लिया कीजिए, ठीक है, ये आप लोग एग्जैक्ट डेटा किसी के याद नहीं आता है, ओके।
तो यहां पर ये बोले गए कि 68% यहां पर वो लोग हैं जो अंडर ट्रायल है, यानी कि अब तक वहां पर उनका जो जो उनके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है वो साबित नहीं हुआ है और वो जेल में है, यानी कि लगभग 30% ओनली लोग ऐसे हैं जेल में जिनका जो जिनके ऊपर जो केस चल रहा है वो साबित हो चुका है, बाकी की जनता को वैसे ही वहां पर भीड़ बनाकर भर रखा है जेल के अंदर। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। और ये जो पॉपुलेशन है अंडर ट्रायल, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है हमारी कंट्री में, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड में अंडर ट्रायल किसी भी कंट्री में नहीं है जिनका अभी कोई आरोप यहां पर सिद्ध नहीं हुआ है और उनको अरेस्ट यहां पर कर रखा है। ये जो प्रोपोर्शन है ये आप लोगों को जेल के अंदर जो देखने को मिलेगा, ये अननेसेसरी अरेस्ट की जाता है। जब किसी का कोई मर्डर कहीं पर हो जाता है तो दबाव में आकर पुलिस क्या करती है, किसी को भी उठाकर ले जाती है, जेल में डाल देती है। और कहीं ना कहीं कई बार तो ऐसे भी काम किए जाते हैं कि यहां पर उसको प्रेशराइज किया जाता है कि यहां पर अपना गुनाह एक्सेप्ट कर ले, जबकि उसने किया भी नहीं होता है। इन इफेक्टिव यहां पर जो लीगल सिस्टम है हमारी कंट्री का ये देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन निकल कर आती है। रिपोर्ट जो है यहां पर एक अलग एंगल शानदार दिखा रही है, ये आप लोगों से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है और यूपीएससी फेवरेट ऐसे क्वेश्चन बना देती है कई बार, फेवरेट एरिया है यूपीएससी का। यहां पर क्या बात की जा रही है, रिलीजन के नाम पर फोकस दिया जा रहा है। रिलीजन के हिसाब से देखेंगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है आज के में जो स्टेटस है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है इस रिपोर्ट के द्वारा। लास्ट 20 ईयर में जो सबसे ज्यादा यहां पर जो लोग देखने को मिले हैं वो मुस्लिम दलित आदिवासी जो अंडर ट्रायल की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो यहां पर मैंने अभी डेटा बताया आप लोगों 68% इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम दलित और आदिवासी देखने को मिलेंगे आप लोगों, यानी कि मोटे मोटे भाषा में बोलूं तो आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर एक गरीब तबका सोसाइटी का सबसे ज्यादा यहां पर यह प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वरना जो अमीर होते हैं वो तो जेल तक जाते भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार यहां पर जब केस चलने की बात आती है किसी पर्सनालिटी के बारे में, अच्छा सा उदाहरण ले लेते हैं जैसे सलमान खान ले लीजिए, ठीक है, माना जाता है कि उनके द्वारा ये हरकतें की गई हैं कि हिरन के ऊपर वो चढ़ा दिया, वो सारी बातें वो आप लोग सारे जानते हैं, पर लेकिन अब तक बंदा जेल में नहीं गया, एक रात रात के अंदर बाहर निकल के आ जाता है। तो ये देखिए ये अमीरी और गरीबी का डिफरेंस आप लोगों को यहां पर नजर आता है। हालांकि कई सारे उदाहरण ऐसे भी है कि जेल में गए हैं पर्सन जैसे संजय दत्त आप लोग ले सकते हैं, पर लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी जितनी ज्यादा यातना है, जितनी ज्यादा दिक्कत एक गरीब झेलता है वो अमीर यहां पर नहीं झेलता, वो आप लोगों को नजर आएगा। 2015 की बात करें, और हाँ सलमान खान के फैंस जो हैं वो गुस्सा मत हो जाना कि क्या बोल दिया भाईजान को, ठीक है, वैसे मुझे भी अच्छा लगता है बंदा एक तरीके से, कई सारी पॉजिटिव चीजें भी करता है पर लेकिन जो गलत है वो गलत है, ठीक है। तो किसी को भी फॉलो आंखों पे पट्टी बांध के नहीं करना है, अगर वो गलत कर रहा है तो आप लोगों को उसकी गलती दिखनी चाहिए, अगर वो अच्छा कर रहा है तो आप लोगों को उसकी अच्छाई दिखनी चाहिए। एक ऐसा इंसान अगर आप लोग बनेंगे तभी आप लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लेवल पर आप लोग आ पाएंगे, ओके। तो यहां पर जो बात की जा रही है मुस्लिम दलित और आदिवासी के बारे में, लगभग 50% जो यहां पर 55% जो अंडर ट्रायल पॉपुलेशन है वो इनकी देखने को मिलती है। जो 68% अंडर ट्रायल पॉपुलेशन हम लोगों ने अभी डिस्कस की है उसमें से 50 या 55% जो पॉपुलेशन है वो यहां पर मुस्लिम दलित और आदिवासी की है, और जबकि 50% अगर आप लोग देखेंगे यहां पर जो पॉपुलेशन अगर यहां पर आज के डेट में काउंट करते हैं तो वो कन्विक्टेड पॉपुलेशन का 50% यहां पर है, जबकि हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का ओनली 38% है। तो समझ सकते हैं आप लोग, यानी कि एक तरीके से गरीब को यहां पर ज्यादा सताया जा रहा है। और ये कंडीशन जम्मू एंड कश्मीर में आप लोगों को अलग देखने को मिलेगी, वहां पर डिस्टर्बिंग पॉइंट ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ है जो कि यहां पर जम्मू कश्मीर में यहां पर 300% के करीब अभी रिसेंटली इंक्रीज हो गया है। पहले यहां पर 90 था 2015 में, 2016 में 431 लोगों को यहां पर इस तरीके से इस कैटेगरी में पकड़ा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिवेंशन जो डिटेंशन यहां पर जम्मू और कश्मीर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, कई बार ये अनफेयर माना जाता है, यानी कि बस नाम पर ही लोगों को उठा लिया जाता है, उठाने के बाद में जेल में डाल दिया जाता है और काफी लंबे समय तक वो जेल में पड़े रहते हैं। कई बार तो इतना यहां पर ये भी कंडीशन देखने को मिलती है जो भी आप लोग आगे जान पाएंगे, होता क्या पर्सन को पकड़ लिया है और पर्सन का जो जिस जुर्म में उसको पकड़ा गया है उस जुर्म के इक्वल लगभग वो सजा काट भी चुका है, कई बार तो क्रॉस भी हो जाती है और फिर भी वो इंसान जेल में ही पड़ा हुआ है, ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों को देखने को मिलती है। जब ये सिचुएशन आती है तो हमारी कंट्री में एक सेक्शन है, सेक्शन ये है 436A क्रिमिनल, जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका। यहां पर यह बोलता है कि अगर किसी पर्सन को आप लोगों ने पकड़ा है कि हाँ इसने ये जुर्म किया है और उसको जेल में डाल दिया है, अगर वो उसकी हाफ सजा अभी काट चुका है और उसको अभी यहां पर केस उसका चल रहा है तो आप लोगों को उसको यहां पर कन्विक्ट जो भी यहां पर पर्सन है उसको रिलीज कर देना चाहिए आप लोगों को यहां पर पर्सनल बॉन्ड के ऊपर कि हाँ वो कोई आगे हरकत ऐसी नहीं करेगा, यानी कि ये माना जाता है कि आप लोगों को ऐसे पर्सन को रिलीज कर देना चाहिए कि बिना केस कंप्लीट हुए वो आधी सजा तो वहीं पर काट चुका है जेल में ही, तो उसको आप लोगों को रिलीज कर देना चाहिए।
1557 अंडर ट्रायल ऐसे एलिजिबल जो पर्सन थे जो सेक्शन 436A के तहत आते थे, पर लेकिन ओनली यहां पर यह 929 यानी कि 929 को ही रिलीज किया गया है, बाकी को रिलीज नहीं किया गया है। एमनेस्टी इंडिया के हिसाब से अगर माने बहुत सारे ऑफिसर ऐसे हैं कि इस सेक्शन के बारे में जानते ही नहीं है कि ऐसा भी कोई सेक्शन है कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है, तो यह भी काफी बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है आधे से ज्यादा जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी सोचकर चलना पड़ेगा। 2017 में अगर लॉ कमीशन की रिपोर्ट माने तो उसने भी रिकमेंड किया था कि अंडर ट्रायल जो पॉपुलेशन है अगर वो यहां पर 1/3 ऑफ मैक्सिमम जो सेंटेंस है उसको कंप्लीट कर चुके हैं तो उसको आप लोग रिलीज कर दीजिए, पर लेकिन ये भी यहां पर नहीं देखने को मिलता है। इवन बहुत ज्यादा टॉर्चर यहां पर किया जाता है, खासकर कई बार तो आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी वहां पर क्या हरकतें की जाती है, ये मूवीज भी कई बार हमारी रियलिटी दिखाती है। कई सारे लोग तो मेंटल हेल्थ के पेशेंट होते हैं, एक तरीके से अननेचुरल डेथ काफी लार्ज स्केल पर वो भी आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो अननेचुरल डेथ है यानी कि मार मार पीट पीट कर मार दिया जाता है। 2015 से लेकर 16 तक का यहां पर आप लोग देखते हैं जो बढ़ गई है, ये 115 से लेकर 231 हो गई है, जो आज के में ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि कोर्ट तक जाते ही नहीं है, जेल में ही यहां पर न्याय कर दिया जाता है, भले ही वो इंसान का जो जुल्म है वो प्रूफ भी हुआ हो या ना हुआ हो, तो ये कंडीशन काफी लार्ज स्केल पर है। तो इस तरीके से जो सुसाइड है वो भी आज के में बढ़ती हुई नजर आ रही है, 28% यहां पर हो चुकी है। अगर आप लोग देखेंगे 77 सुसाइड थी 2015 तक, 2016 में 102 सुसाइड हो चुकी है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के हिसाब से माने 2014 के हिसाब से तो उन्होंने ये बोला था कि जो लोग बाहर टेंशन में हैं, बाहर आज के में आउटसाइड वर्ल्ड में जो सुसाइड कर रहे हैं उसके कंपेयर में जो जेल में लोग रह रहे हैं वो 1.5 गुना ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। यानी कि जेल में ज्यादा टॉर्चर देखने को मिलता है, जेल में उनको ऐसी कंडीशन की जाती है, भले ही अब तक उनका जो उनके ऊपर जिसके लिए पकड़ा गया है वो उनके ऊपर केस चल रहा है वो अब तक साबित नहीं हुआ, पर फिर भी उनको इस लेवल पर ले जाकर टॉर्चर कर दिया जाता है कि वो इंसान सोचता है कि सुसाइड कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, कई बार तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन भी ऐसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि 6013 इंडिविजुअल जो मेंटल इल पेशेंट है आज के में अगर जेल में आप लोग बात करते हैं 2016 के डेटा के हिसाब से, पर लेकिन उनके लिए कोई भी डायग्नोसिस प्रोसीजर वहां पर नहीं देखने को मिलता है, यानी कि उनके बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता, वो मेंटल पेशेंट है उनके ऊपर तो ध्यान देना चाहिए, और ओनली वन हेल्थ प्रोफेशनल है अगर आप लोग बात करें 21,650 मेंटल पेशेंट के ऊपर। और अब तक देखने को मिलता है 6 राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिन्होंने साइकोलॉजिस्ट और यहां पर साइकेट्रिस्ट यहां पर अभी रखे हैं, वरना बाकी के जो राज्य और यूनियन है वो इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। सोचेंगे कैसे, नॉर्मल जनता को ही वहां पर फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो जेल में पड़े हुए लोगों को कौन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर कंडीशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहां पर कोई सिंगल कोई भी साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट नहीं है, और सबसे ज्यादा प्रिजनर आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो वहां पर जो लोग में जेल है उनको एक तरीके से जानवरों की तरीके से वहां पर डाल रखा है, और देखिए यही बहुत बड़ी कंडीशन है। जब यहां पर माल्या की बात करते हैं, माल्या जो भागा हुआ है मेहुल चौकसी या फिर कोई और पर्सन हमारी कंट्री से अगर भाग जाता है ना, बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में उसको वापस भेजती नहीं है, क्यों? क्योंकि जेल की हालत हमारी कंट्री में ऐसी है कि यहां पर ये मना है कि इनह्यूमन कंडीशन है हमारी कंट्री में जेल में, तो इसलिए वहां पर भेजने से मना कर देते हैं। तो जेल में रिफॉर्म की और पुलिस रिफॉर्म, ये कुछ ऐसे रिफॉर्म है जो काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, पर लेकिन पॉलिटिकल विल ही नहीं निकल कर आती है यहां पर इनको सुधारने के लिए। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों के सामने हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोग को इंप्रूव करना पड़ेगा जेल के अंदर की जो कंडीशन है। पकड़ लिया है, गलती हो गई है, पर है तो इंसान ही ना, एक तरीके से आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। और बाकी 68% जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो तो वो इंसान है जिनके गलत भी जो गुनाह किया वो अब तक साबित भी नहीं हुआ। एक बार को अगर किसी का गुनाह, मान लीजिए किसी ने कोई गलत काम किया है और उसको गुनाह साबित हो गया तो उसको मार दो एक बार को, ये आप लोग फिर भी माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने वाला होता है। जिस इंसान का कोई गुनाह साबित नहीं हुआ वो इंसान मर रहा है, तो ये थोड़ा इरिटेटिंग फैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है, तो गलत को गलत ही बोला जाएगा। तो अभी जो देखने की बात की जा रही है वो यही है कि किस तरीके से यहां पर हमारी कंट्री का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें यहां पर ये जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसका यूज करके इंप्रूव किया जाता है पॉलिसी को हमारी कंट्री में। और ये देखिए, ऐसी चीजें अगर इंप्रूव नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी जो हमारी कंट्री के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि ह्यूमन राइट का हनन हो रहा है, वो भी एक अलग मुद्दा निकल कर आता है। तो अभी ये बात है कि जो ये डेटा है इसको सबके सामने रखना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, और कैसे यहां पर हम लोग अपनी कंट्री में लाभ बना सकते हैं उसके ऊपर फोकस देकर चलना चाहिए। रिलेक्टेंट अगर आज की डेट में भी हम लोग लगते रहे इसी तरीके से डेटा को प्रस्तुत करने में और यहां पर उसको ढंग से इंप्लीमेंट करने में, तो फिर देखिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। अगर प्रॉब्लम से दूर भागोगे तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है, प्रॉब्लम के अंदर सर देकर घुसना पड़ेगा आप लोगों, तभी आप लोग उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। और अगर सोचेंगे आज नहीं कल और कल नहीं परसों, तो फिर प्रॉब्लम भी कहेगी टाटा बाय बाय मिलेंगे तरसो। तो ये कहने का मतलब यह है कि फिर से वो प्रॉब्लम आप लोगों के सामने निकल कर
आएगी जब तक आप लोग उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, आप जो मैंने इंटरनेशनल वाला एंगल बताया वो भी डालने की इसमें कोशिश जरूर कीजिएगा, और लिखिए डाइवर्स आंसर लिखने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वहां पर उसमें डाल सकें, मैक्सिमम एंगल आप लोग काउंट कर सकें। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर बात कर रहा है, यह रेकिप तैयब जो इरोडगन है, आरटी इरोडगन भी इनको बोला जाता है, ये रशिया के लीडर है, रशिया के प्रेसिडेंट है। इनके द्वारा जब पिक्चर में आए थे ये, तो ये बिल्कुल सिंघम की एंट्री लेकर आए थे। ये देखिए इन्होंने क्या किया, तुर्की के अंदर डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो साइड में हो गई, इन्होंने एक तरीके से अपने आप को एक ऐसा लीडर बना लिया कि कंट्रोल कर लिया पूरी तुर्की के ऊपर। ये तुर्की आप लोग यहां पर देखते हैं, ऊपर ब्लैक सी हो गया और नीचे मेडिटेरेनियन सी हो गया। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कौन सी कंट्री पड़ती है ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में, तो ये तुर्की है यहां पर, और यहां पर आप लोग साइप्रस देख सकते हैं। साइप्रस भी काफी इंटरेस्टिंग यहां पर एक कंट्री है, जो कि आधा पोर्शन तुर्की के कंट्रोल में है और आधा पोर्शन यहां पर इंडिपेंडेंट है, जबकि ये दोनों चाहते हैं मिलकर यहां पर कि हां इसको एक ही एरिया में लाया जाए, पर लेकिन तुर्की से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भी एक मुद्दा है। बाकी ये एरिया फेमस है, ये आप लोग जानते हैं, ये सीरिया हो गया, और यहां पर ये पूरा आप लोग देखते हैं अर्मेनिया, जॉर्जिया, इस्तांबुल जो है यहां पर, ये कैसा एरिया है, ये ऐसे है जैसे हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश है। यानी कि ये माना जाता है यहां पर कि जिसने इलेक्शन में इस्तांबुल जीत लिया उसने यहां पर तुर्की के इलेक्शन जीत लिए। अभी रिसेंटली जो यहां पर प्रेसिडेंट भाई साहब हैं, ये इस्तांबुल में ही हार गए हैं, तो इसलिए यहां पर ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज की डेट में ये हार गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो है दबदबा यहां पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस्तांबुल एक ऐसा पॉइंट है जो कि ये वाला पोर्शन तुर्की का यूरोप में आता है और ये वाला पोर्शन तुर्की का एशिया में आता है, तो ये यहां पर जो पॉइंट है ये एक ज्वाइंट पॉइंट है इस्तांबुल, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। जिस तरीके से हमारी कंट्री बोला जाता है ना, जिसने उत्तर प्रदेश जीत लिया लोकसभा में 80 सीट है वही जीत कर आ जाएगा, तो इसीलिए दबदबा इस्तांबुल का माना जाता है कि जिसने इस्तांबुल वाली सीट जीत ली वही यहां पर पिक्चर में है। तो रिसेंटली अभी यहां पर ये हार गए इस्तांबुल वाली 30 सीट, और खुद इनके द्वारा ये बात बोली जाती थी कि whoever win इस्तांबुल wins तुर्की, यानी कि ये इनके द्वारा भी खुद ये स्टेटमेंट दी गई है। अब इनकी पार्टी जो यहां पर हार गई है, ये यहां पर इनकी पार्टी है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, ठीक है, नाम तो ऐसे रख देते हैं, पता नहीं सारा काम ऐसे ही करेंगे, चलिए जो भी है। इसके अलावा अगर इनकी इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग बात करते हैं, ये नेटो के मेंबर हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टर्न वर्ल्ड की, जो कि एक पुलिसिंग का काम करती है। बाकी S-400 सिस्टम ये खरीद रहे हैं रशिया से, समझ सकते हैं आप लोग, नेटो का मेंबर जो कि रशिया के बिल्कुल अपोजिट में है और वो रशिया से जाकर ये सिस्टम खरीद रहा है। इसी के चलते जो यूएसए का यहां पर है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, तो ये यहां पर इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि यहां पर रशिया ताकि यहां पर ये सिस्टम यहां पर इससे न खरीदे। यानी कि रशिया की और तुर्की के बीच में ज्यादा अच्छे संबंध आज के में चल नहीं रहे हैं, क्योंकि नेटो का मेंबर होते हुए ये जो रशिया के साथ में काम करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी उस फील्ड में डिफेंस के में, तो ये देखिए कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। तो अभी जो यहां पर बोला जा रहा है कि देखिए पकड़ यहां पर कम होती हुई जा रही है, पर लेकिन अभी ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि अभी काफी स्टार्टिंग है, देखने वाली बात ये होगी अगर इलेक्शन नेक्स्ट होते हैं और वहां पर क्या कंडीशन निकल कर आती है। पर लेकिन अच्छी बात यही है कि अगर इस इंसान की पकड़ यहां पर कमजोर होती है, तो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेरियन रूल यहां पर कमजोर होगा और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म की गवर्नमेंट निकल कर आएगी, जो कि एक गुड न्यूज आप लोग तुर्की के लिए बोल सकते हैं। तुर्की यहां पर यह तुर्की लायरा, इसकी यहां पर आप लोगों को ये इसकी करेंसी है, और अंकारा यहां पर आप लोगों को इसकी कैपिटल नजर आएगी। बाकी ये मिडिल ईस्ट में कंट्री है और ये इसका फ्लैग हो गया। हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं आप लोग, कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं मैप बेस्ड भी, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हिप इम्प्लांट के बारे में। ये जो पोर्शन होता है हमारा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा यहां पर दर्द हो जाता है, कई बार आप लोग ये वर्ड भी यूज करते हैं कि बाह हो गई है, कुछ ऐसा वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो यहां पर देखने को मिलता है आप लोग यहां पर इस तरीके से, ये जो इसको यहां पर क्या करते हैं फिर रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है कुछ ऐसा सिस्टम यहां पर लगाकर, तो ये जो सिस्टम है यहां पर ये रिप्लेस किया जाता है, ऐसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट यहां पर किया जाता है। ये ऐसे यहां पर एक तरीका ये सिस्टम होता है, इस कटोरी में ये फिट किया जाता है, ताकि आराम से ये वाला पोर्शन ऐसे ऐसे घूमता रहे अगर आप लोग चलते हैं जब यहां पर, ठीक है। तो ये जो है यहां पर ये वाला जो सिस्टम है इसमें पोलम देखने को मिल रही है, जो ये सेट किया जा रहा है, ये जो यहां पर मेटेरियल यूज किया जा रहा है ये लो ग्रेड क्वालिटी का मेटेरियल है, और इसकी वजह से अंदर यहां पर इन्फेक्शन हो रहा है इंसानों के अंदर, वो दर्द और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, इसकी वजह से ये केस निकल कर आ रहा है जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप लोग माइंड में क्लियर रखिएगा, ये जो यहां पर ये इस तरीके से यहां पर चढ़ा जाता है, ये जो पोर्शन को कनेक्ट किया जाता है यहां पर, ये की वजह से किया जाता है, एक पूरा सिस्टम यहां पर फिक्स करने की कोशिश की जाती है, एक तरीके से जॉइंट आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये जो कैप होती है यहां पर, ये प्लास्टिक कप होता है, और इसी के साथ में यहां पर ये वाला जो पोर्शन आप लोगों को ये स्टेनलेस स्टील का देखने को मिलता है। इसके बारे में आप समझते हैं क्या कंडीशन और क्या प्रॉब्लम निकल कर आ रही है। जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है यूएसए की, उसके द्वारा काफी बुरी हरकतें यहां पर की गई है, लो क्वालिटी के मटेरियल यूज किए गए, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो जो हिप इम्प्लांट इनके द्वारा किया जा रहा था,
जिसको टेक्निकल शब्द अगर यूज करेंगे तो आप लोग इसको बोलते हैं ASR, यानी कि एसिटेबुलर सरफेस रिप्लेसमेंट, जिसको हिप इम्प्लांट भी आप लोग बोलते हैं। तो ये जो है हिप ट्रांसप्लांट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये जो यहां पर अभी देखने को मिला, हमारी कंट्री में 4700 के करीब इंडियन पेशेंट जो है 2004 से लेकर 10 तक का इसके चक्कर में आए और उनके द्वारा यहां पर इसको यूज किया गया। ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री में नहीं है, जो यहां पर ये जो यहां पर ASR की जो प्रॉब्लम निकल कर आ रही है हिप इम्प्लांट की, 2010 में यहां पर ये यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी काफी प्रॉब्लम निकल कर आई और फेलियर माना गया जो हिप इम्प्लांट किया गया, और उसी के चलते काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली, क्योंकि ये कोबाल्ट और क्रोमियम का जो यूज किया जा रहा था ये ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने लगा। यानी कि आप लोग खुद समझ सकते हैं, यहां पर अगर इसमें से ये कण निकलने लगे और ब्लड के अंदर यहां पर मिक्स होने लगे तो बॉडी में एक अलग तरीका इन्फेक्शन हो सकता है, यहां पर आगे चल के ये कैंसर का रूप भी यहां पर ले सकता है और पेन तो इंसान को रहेगा ही रहेगा। तो ये जो कंडीशन यहां पर की जा रही है, लोअर स्टैंडर्ड का यहां पर मटेरियल यूज किया गया। इसके चलते 2013 में जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा, जो कि एक यूएसए की कंपनी है जिसका आप लोगों ने कई बार सुना होगा पाउडर वगैरह या फिर आप लोग साबुन वगैरह भी यूज करते हैं बच्चों के लिए, तो लगभग 4 बिलियन यहां पर सेटलमेंट दिया गया लगभग 12,000 पेशेंट के लिए यूएसए में। पर लेकिन हमारी कंट्री में ये जो न्यूज आ रही है अब निकल कर आ रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में इस पर ज्यादा फोकस नहीं दिया गया। इंडिविजुअल जब पहुंचा यहां पर कंज्यूमर कोर्ट के सामने, तब यहां पर जब सिचुएशन आगे निकल कर आई, 2017 तक तो गवर्नमेंट ने कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं किया। 2013 में यहां पर 4 बिलियन रुपए बांट भी दिए गए हैं और हम अभी 3-4 साल बाद भी हम लोग, हमारी गवर्नमेंट जो है वो फ्री बैठी हुई है, उसको कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं दे रही है। जो यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर एंड जो यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा एक कमेटी सेटअप की गई, जब दिखने लगा काफी हा हुल्ला होने लगा और तब जाकर जो कमेटी है उसके द्वारा यहाँ पर बातें की गई कि किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना है, कैसा फ्रेमवर्क यहाँ पर होना चाहिए और किस तरीके से यहाँ पर रिविजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसके चलते 1032 जो इंडियन पेशेंट है उनके द्वारा कॉन्टैक्ट किया गया यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास में कहीं ना कहीं ऐसे हमारे पास में भी हमने भी यहाँ पर हिप इम्प्लांट किया है, तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये आज के डेट में इससे फायदा उठा सकते हैं, यानी कि हमको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, किस तरीके से हमको पैसा मिलेगा यहाँ पर, ये बात की गई। अगर देखें पेशेंट कंपनी के द्वारा यहाँ पर जो यहाँ पर बात की गई पेड करने के लिए रिविजन, इसके जो भी यहाँ पर सर्जरी हो रही थी इसके लिए, तो पैसा जो था यहाँ पर बेसिकली जो कमेटी थी उसके द्वारा, कमेटी का नाम याद रखिएगा, ये है यहाँ पर आर के आर्या कमेटी के द्वारा बोला गया कि 20 लाख रुपए प्लस एडिशनल कंपनसेशन आप लोगों को देना पड़ेगा जो पेशेंट है उसके हिसाब से। यानी कि अगर कोई पेशेंट जवान है और उसको ये प्रॉब्लम हो गई थी और उसको हिप इम्प्लांट किया तो उसकी लाइफ आगे आने वाली बर्बाद हो गई है, तो उसको ज्यादा कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर किसी की एज 60 या फिर इससे ऊपर हो चुकी है तो उसको आप लोग कम कंपनसेशन दे सकते हैं। ये नहीं है कि सबको आप लोगों को इक्वल कंपनसेशन देना पड़ेगा, पर लेकिन बेसलाइन जो है यहाँ पर वो 20 लाख आप लोगों को रखनी पड़ेगी। तो अब आप लोग समझ सकते हैं हमारी कंट्री में अब हिप इम्प्लांट किया गया था वो कितना था, वो 4700 था। अब यहाँ पर जो पेशेंट है यहाँ पर जिनको काउंट किया जा रहा है, ये ओनली काउंट किया जा रहा है बहुत कम पेशेंट, यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो रिविजन सर्जरी यहाँ पर देखने को मिली 254, और जबकि 774 बाकी जो पेशेंट बच गए उनको बोला गया कि मॉनिटर किया जाएगा, और बाकी के जो बच गए 3600 पेशेंट उनके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, और कुछ को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ चल भी रहा है। आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो जनता तक नहीं पहुंच पाती है। मान लीजिए यहाँ पर अभी आज के डेट में आप लोगों को फ्री लेक्चर मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आते हैं कमेंट करते हैं सर मुझे पता ही नहीं था कि यहां पर फ्री लेक्चर भी हैं। इवन पॉलिटिकल लेक्चर जब देखते हैं ना कई सारे बच्चे, या जो स्टैटिक पोर्शन मैंने पढ़ा रखा है, वो बोलते हैं सर कोचिंग में पैसे फूंक दिए बहुत सारी चीजें खरीद ली हैं, पर लेकिन इतना अच्छा यहां पर नहीं देखने को मिला। वो खुद जब ऐसी बातें बोलते हैं तो अंदर से अच्छा लगता है यार ये चीजें सारी, यानी कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसी चीजें भी अवेलेबल है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जो भी आप लोगों को लगता है चीजें अच्छी लगती हैं उनको शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि उन लोगों तक पहुंचे जिनको इनके बारे में पता ही नहीं है। वरना पॉलिटिक्स के भी कोर्स बेचे जा रहे हैं लोगों के द्वारा मार्केट में और काफी अच्छे खासे पैसे कमाए जा रहे हैं, और लेक्चर को अगर आप लोग किसी भी तरीके से कंपेयर करोगे तो आप लोग कभी नहीं बोलोगे कि हाँ हमारे लेक्चर किसी भी तरीके से कम है, या कंपेयर में किसी भी टॉपिक में आप लोगों को वहां पर कोई कमी नजर आएगी, चाहे कहीं पर भी आप लोग जाकर पढ़ लेना। बस थोड़ा सा अंडरमाइन इसलिए कर देते हैं लोग कि यार फ्री में कोई इतना अच्छा मटेरियल कैसे दे सकता है। तो ये थोड़ा सा आज के डेट में देखने को मिलता है कि फ्री में दे रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। ऐसे भी कई सारे कमेंट मुझे देखने को मिलते हैं कि सर फ्री में क्यों प्रोवाइड करा दिया। तो देखिए ये सारी मेरी पर्सनल चीजें जो भी हैं वो मुझे जो लगा मैंने कर दिया, पर आप लोग अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उससे फायदा उठाए और दूसरे लोगों तक भी चीजें पहुंचाए। अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है फ्री में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। खुद एनालिसिस कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। कहीं जाकर पढ़िए और फिर आकर आप लोग लेक्चर देखिए, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि उनका लेवल क्या है। कहीं पर भी आप लोगों को उस लेवल की चीजें अगर फ्री में मिल जाए, फ्री में क्या पेड़ भी आप लोगों को मिल जाए, तो मुझे आकर बताना, ठीक है।
तो इसीलिए यहां पर ये कंडीशन क्या है, हमारी कंट्री में लगभग 3500 अगर आप लोग देखेंगे, ये लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हाँ ऐसा भी कुछ मार्केट में चल रहा है। तो यानी कि इन तक भी चीजें पहुंचनी चाहिए और इसके अलावा और ज्यादा यहां पर फोकस देकर चलना चाहिए। देखिए दो तरीके हैं, एक तो यहां पर ये जो यहां पर हमारी कंट्री में जो ये ऑफिस है जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की, अगर ये यहां पर बात करें, यानी कि अगर यहां पर जो बात की जाए, एक मिनट, अगर यहां पर बात की जाए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, DCGI के बारे में, ये बोले पैसा दे दे तो यहां पर ये नहीं चलेगा, पर लेकिन अगर कोर्ट बोले पैसा दे दे तो पैसा देना पड़ेगा। तो यहां पर बिफोर द कोर्ट पहुंच गए, यहां पर जब DCGI ने बोला यहां पर कमिटी सेटअप करके कि पैसा देना है, तो फिर कोर्ट में मैटर पहुंच गया। अब कोर्ट में मैटर पहुंच गया तो कोर्ट यहां पर डिसाइड करेगा, जॉनसन एंड जॉनसन ये बोला है कि कोर्ट बोलेगा तो ही यहां पर कुछ होगा, ऐसे नहीं है कि हम लोग DCGI के हिसाब से पेमेंट यहां पर कर देंगे। पर लेकिन जब दिखने लगा कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है तो फिर यहां पर इसकी आंखें खुली और इसको लगने लगा, पता चला अभी तो कुछ लोगों को ही तुझे पे करना है, आगे चल के अगर यहां पर जो 4700 लोगों को अगर पे करना पड़ गया तो तब क्या होगा। तो खुद ये सामने निकल कर आए और इन्होंने बोला 25 लाख रुपए पर पेशेंट ये देंगे यहां पर। तो जो प्रॉब्लम है यहां पर, ये यहां पर राइटर बोल रहे हैं प्रॉब्लम है सेटलमेंट में। सबसे बड़ी बात क्या है, जो ऑफर दिया गया अभी 67 को यहां पर दिया गया 289 पेशेंट में से, जो एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जो चीजें बोली गई थी उसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहां पर यह है कि जो केस चल रहा है इसमें जो पेशेंट है उसी को स्टेक होल्डर नहीं बनाया जा रहा है, यानी कि प्रॉब्लम जिस इंसान को हो रही है, जो मर रहा है, जो सारी प्रॉब्लम झेल रहा है वो कुछ नहीं है यहां पर, जो केस चल रहा है वो अलग कंडीशन से चल रहा है, यानी कि ये पार्टी नहीं है उस केस में जो यहां पर पेशेंट है, ये सबसे बड़ी बात है। इसी के साथ में जिन पेशेंट के द्वारा जो कमेटी को ये यहां पर अप्रोच नहीं किया गया, ये यहां पर उनको अलग से पर कोई ऐसी बातें उन तक पहुंची नहीं रही है, यानी कि एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि कमिटी में लीगल पावर नहीं है, पर लेकिन यहां पर जो लोग कमिटी तक पहुंचे उसको सेटल करने की बाहर से बाहर कोशिश की जा रही है ताकि जो मैटर है वो आगे न बढ़े। और ये बोला जा रहा है कि कमेटी के पास में कोई लीगल राइट भी नहीं है, यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो बचने की कोशिश की जा रही है। जॉनसन एंड जॉनसन ने यहां पर बोला है 67 पेशेंट, चलो सही है 67 पेशेंट के लिए, पर जो बच गए यहां पर 3600 पेशेंट उनका काम कौन देखेगा, उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उनको कौन देखेगा। सेकंड बात, 25 लाख आप लोगों ने फिक्स कर दिए, एक पर्सन है जवान जिसकी उम्र है अभी 16 साल, आप लोगों ने उसका हिप इम्प्लांट किया है, अगर वो प्रॉब्लम यहां पर झेल रहा है, और एक है जो 80 साल का है, 80 साल का तो चलिए 5-7 साल जो जितने भी दिन जिएगा ये इंसान, इसकी लाइफ अभी एंड हो चुकी है लगभग, पर लेकिन ये 16 साल के सामने तो पूरी लाइफ पड़ी है, कैसे आप लोग इक्वल कंपनसेशन यहां पर दे सकते हैं, इसके बारे में यहां पर ये गलत तरीका है। कमिटी ने ऐसा नहीं बोला था, कमिटी ने ऑलरेडी बोला था कि 20 लाख तो आप लोगों को बेस प्राइस रखना पड़ेगा, बाकी कंपनसेशन वेरी करेगा यहां पर एज के हिसाब से, अगर पेशेंट की एज क्या है, तो यही बात यहां पर बोली गई है 40 साल और 60 साल के जो पेशेंट की एज में कंपनसेशन में डिफरेंस होना चाहिए, तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी बात जो यहां पर देखने को मिल रही है, ये यहां पर देखने को मिल रही है कि एक तरीके से परफेक्ट स्मोक स्क्रीन करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि धुंधलापन करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो स्क्रूटनी ज्यादा ना हो सके और कहीं ना कहीं जो पेशेंट है उसके इंटरेस्ट को अंडरमाइन किया जा सके। तो इसी के चलते सोचा यह जा रहा है कि कुछ लोगों को पैसा देकर निकल लिया जाए, पर लेकिन अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि गवर्नमेंट और यहां पर कोर्ट इसको कैसे लेकर चलता है, क्योंकि मीडिया में जब रिपोर्ट आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसको भी कई बार सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। मीडिया तो अगर देखिए, मीडिया अगर अपने पे आ जाए ना तो कोई कुछ गलत करे ही ना, इस तरीके से चीजें सामने ला ला कर रख दे। अब देखिए DGCI अगर बाहर निकाल देते हैं, बोला जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, तो कोर्ट और मीडिया के ऊपर यहां पर पूरे एक तरीके से दामोदार आ जाता है कि किस तरीके से कंपनसेशन मिलना है, 25 लाख मिलने हैं या फिर जो 20 लाख प्लस जो मिलना चाहिए वो मिलना है, तो ये देखने वाली बात होगी। एक साइड में ऑलरेडी इन्होंने 4 लाख यहां पर 4 बिलियन के करीब डॉलर यहां पर एक साइड में ऑलरेडी यहां पर ये पे कर चुके हैं और हमारी कंट्री में यहां पर ये 20-25 लाख में यहां पर चीजों को सेटल डाउन करना चाहते हैं। तो अब देखने वाली बात यह कि पेशेंट के लिए क्या जस्टिस यहां पर किया जाएगा, क्या जिस तरीके से यहां पर जो बातें बोली जा रही है उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर यहां पर ये सेटलमेंट हो जाता है तो 1.75 करोड़ में यहां पर इनका सेटलमेंट हो जाएगा, बाकी के पेशेंट का क्या होगा उनके बारे में कौन सोचेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं कि ये इशू जो चल रहा है खासकर मेडिकल से रिलेटेड कैसे इसका सॉल्यूशन निकलना है और क्या यहां पर इसके बारे में सोचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है बेसिकली जो 3 लैंग्वेज स्पोकन की बात की जा रही है, किस एरिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अभी यहां पर एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिला। तो एक तरीके से यहां पर जो एनालिसिस किया जा रहा है वो यहां पर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में ज्यादा फोकस देकर चला जा रहा है, आसाम, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, तो यहां पर ये यहां पर लैंग्वेज है जो आप लोगों के सामने है जो इफेक्टिवली यहां पर बोली जाती है। तो जिस तरीके से अभी रिसेंटली यहां पर बात की गई थी कि जो ये वाले एरिया है यहां पर जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलेगी और जो उत्तर प्रदेश में बोली जा रही है वो यहां पर नहीं देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में ये बोला जा रहा है कि आज की डेट में मिनिमम ऐसी 3 लैंग्वेज हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में बोली जाती है कोई ना कोई बेसिक लैंग्वेज, पर लेकिन अगर आप लोग दूसरे राज्य में जाएंगे वहां पर या तो 1 लैंग्वेज देखने को मिलेगी या फिर 2 लैंग्वेज देखने को मिलेगी। तो इसके ऊपर फोकस देकर हम लोग को चलना पड़ेगा कि कैसे जो लैंग्वेज है, एक तो इनके बारे में इनको भी प्रोटेक्ट हम लोगों को करना चाहिए क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी कई सारी लैंग्वेज है जो कि खत्म होती हुई जा रही है आज के डेट में।
अगर बात करें यहाँ पर मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 9 लैंग्वेज वहां पर लोगों के द्वारा बोली जाती है, ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा अलग अलग एरिया में। पर लेकिन उत्तर प्रदेश में लार्जली अगर आप लोग देखेंगे एक लैंग्वेज वाइडली बोली जाती है, जो कि आप लोग हिंदी बोल सकते हैं। तो जो डाइवर्स लैंग्वेज है उसके बारे में आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। जहां पर ये लैंग्वेज है ज्यादा बोली जा रही है, तो यहां पर इफेक्टिव जो लैंग्वेज नंबर है वो यहां पर देखने की कोशिश की जा रही है। और जो 3 लैंग्वेज वाला फॉर्मूला था वो भी न्यूज में था, वो भी आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, जो कि आप लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में डिटेल में डिस्कस किया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग इसका सा आइडिया रख सकते हैं किस तरीके से कहां कहां पर कितनी लैंग्वेज बोली जा रही है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट तैयार की गई है नीति आयोग के द्वारा। तो याद रखिएगा यहां पर हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें बोला गया कि केरला ने टॉप किया है और दिल्ली की जो पोजीशन है वो खिसक कर यहां पर 5वें नंबर पर आ गई है। अगर आप लोग यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, यानी कि 2 प्लेस गिर गया, 5वें स्पॉट पर आ गई है परफॉर्मेंस। अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर का बात करते हैं, केरला टॉप पर है, आंध्र प्रदेश दूसरे पर, महाराष्ट्र तीसरे पर, गुजरात चौथे पर। ये यहां पर इनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं जब हेल्थ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ये बातें जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये बात की जा रही है एंटीगुआ के बारे में। ये एक आइलैंड एरिया है जहां पर ये मिहुल भाई साहब के द्वारा हमारी कंट्री का 13,578 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक का फ्रॉड कर ये यहां पर जाकर बैठ रहे थे। अभी एंटीगुआ के जो प्रेसिडेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके द्वारा बोल दिया गया है कि यहां पर अगर यहां पर जरूरत पड़ी तो यहां पर ये इनकी सिटीजनशिप रिवोक कर देंगे, हटा देंगे और वापस इनको इंडिया भेजा जाएगा। तो एक खुशी की बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, अगर ऐसा इंसान कोई करता है तो कम से कम आगे सोचेगा 1000 बार ऐसा करने से पहले। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, हाई कोर्ट के द्वारा भी यहां पर डिसीजन ये निकल कर आया है कि केरला स्टेट चलचित्र एकेडमी, जो यहां पर अभी रिसेंटली एक मूवी बनी थी, ये जो मूवी है इसका नाम है विवेक रीजन। ठीक है, ये जो मूवी है, इस मूवी में ये दिखाया गया है, रिसेंटली अभी कई सारे लोगों की जान गई, जैसे नरेंद्र दाभोलकर, ठीक है, इसी के सारे रोहित वेमुला, तो ये सारे कई सारे और भी लोगों को मारा गया है, जैसे यहां पर गोविंद पंसार। ठीक है, तो ये सारे जो लोग हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, एक रेशनलिस्ट स्कॉलर थे जो कि सही गलत में डिफरेंस बताते थे, पर लेकिन इनकी जान चली गई। तो ये जो मूवी है इसके बारे में यहां पर डिस्कस करती है। और जो आज के डेट में जो मर्डर हो रहे हैं नेशनलिज्म के नाम पर, उसको जो अल्ट्रा नेशनलिज्म यहां पर देखने को मिल रहा है, यानी कि फूट फूट कर नेशनलिज्म जो बाहर निकल के आ रहा है और उसकी वजह से लोगों की जान तक ले दी जा रही है, उसके लिए यहां पर ये मूवी को रोक दिया गया था, पर लेकिन इसको अलाउ कर दिया गया। इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल केरला के अंदर फिर से अलाउ कर दिया गया तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो ये कोर्ट के द्वारा इसको अलाउ कर दिया गया, जो कि रोक दी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये यहां पर पटवर्धन जिनकी ये डॉक्यूमेंट्री है, ये पिक्चर भी आप लोग इनकी देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम था मोहन रानाडे। तो ये फ्रीडम फाइटर थे गोवा के अंदर, जिनकी रिसेंटली अभी जान गई है, तो इनके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में, ये केरला के अंदर, केरला के अंदर जो यहां पर अभी बात की जा रही है, सॉरी केरला के अंदर नहीं, यहां पर ये कर्नाटका के अंदर है, जिसका नाम है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। तो अभी बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अंदर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, और यहां पर सबके द्वारा मिलकर एक मीटिंग की गई है और ये डिसाइड किया गया है कि कैसे इफेक्टिवली यहां पर कंजर्व करना है जो नेचर है, जहां जहां पर जो प्रॉब्लम लिख रही है, जो वेरियस इशू है, उनके ऊपर कैसे डिस्कस करना है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये कर्नाटका के अंदर है। आगे बात करते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है, अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में बहुत सारे बच्चों की, आप लोगों ने देखा कई सारे बच्चों की जान गई, ठीक है ना। तो इंडियन चिल्ड्रन अंडर, ये जो मेल न्यूट्रिशन आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है, स्टंटेड आप लोगों को देखने को मिलते हैं, इनकी संख्या आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि आज की डेट में जो संख्या चल रही है वो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर जो कंडीशन फूड और न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो ऐसे ही बनी रही तो ये कंडीशन और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। स्टंटेड के बारे में आप लोग जान लीजिए, स्टंटेड का मतलब होता है कि लो हाइट है एज के हिसाब से, यानी कि जितनी एज के हिसाब से हाइट होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। वेस्टेड का मतलब होता है कि लो वेट है हाइट के हिसाब से, इसका लो वेट का, अंडर वेट का मतलब होता है कि लो वेट है एज के हिसाब से, तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा। वेस्टेड का मतलब होता है कि लो वेट है हाइट के हिसाब से, और अंडर वेट का मतलब है कि लो वेट है एज के हिसाब से, और नॉर्मल तो वही है, जो सारी चीजें नॉर्मल है भैया, तो उसको नॉर्मल बोल देंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, ये एक इंप्रेसिव यहां पर देखने को मिला, एक ऐसा कछुआ देखने को मिला जिसका नाम भी कुछ ऐसा रख दिया गया कि जिसको देखकर इंप्रेस्ड हो गए लोग, ठीक है, तो इंप्रेस्ड ही इसका नाम रख दिया गया। ये जो देखने को मिला, ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला, 2 एनजीओ है यहां पर, हेल्प अर्थ और यहां पर है टर्टल सर्वाइवल अलायंस, तो इनके द्वारा यहां पर ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर, ये बात की जा रही है, अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में विजिट करने वाले मैक पेम्पियो, इनके विजिट पर हैं, तो यहां पर अभी जो डिस्कस किया जाएगा, यहां पर किस किस पर्सनैलिटी से मिलेंगे, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर
जो एडवाइजर हैं हमारी कंट्री के, सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, कई सारी पर्सनैलिटीज से मिलेंगे। तो किस किस एरिया में क्या क्या कंडीशन हो सकती है वो देखने को मिलेगा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है यूएसए को 2009 से लेकर अगर 2018 में देखेंगे ये काफ़ी लार्ज स्केल पर बढ़ रहा है। अगर आप लोग देखेंगे यूएसए का जो है वो भी बढ़ रहा है, पर लेकिन इतना नहीं बढ़ा जितना इंडिया का बढ़ गया है। तो इसी के बीच में जो डिफरेंस यहाँ पर चल रहा है उसको भरपाई करने की कोशिश की जाती है, जो ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर है वो यहाँ पर पूरा करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं ताकि ये जो डेफिसिट है इसको कम किया जा सके। नेक्स्ट इंडिया और पाकिस्तान लड़ रहे हैं यहाँ पर, हैदराबाद के जो निजाम है उनकी प्रॉपर्टी जो लंदन में यहाँ पर आज के डेट में है, लंदन बैंक में उनका अकाउंट था उसमें जो पैसा रखा हुआ है, तो लगभग ये कितना है ये डेटा जो यहाँ पर आप लोगों के सामने है, कम से कम अगर पाकिस्तान को मिल जाता है उनकी इकोनॉमी की जो खस्ता हालत है वो थोड़ी सुधर सकती है। तो देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलेगा। जो डेटा है ये है 35 मिलियन पाउंड। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं पैसे के ऊपर लड़ाई, चलिए जो भी है आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में यहाँ पर बात की जा रही है, उड़ीसा के द्वारा ये बोला गया कि आने वाले टाइम में लगभग 5% ये जो गरीबी है वो कम कर देंगे, यानी कि जो लोग 5% गरीबी से ऊपर निकल कर आ जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात बोल सकते हैं। फाल्क आइलैंड की बात की थी, ये पर्टिकुलर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये एक टेरिटरी है जो कि यहाँ पर कई बार डिस्प्यूट में भी रहती है, ठीक है, अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में। तो ब्रिटेन की टेरिटरी है आज के दिन में, ब्रिटेन के कंट्रोल में फाल्क आइलैंड, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज के क्विज के ऊपर। जॉनसन एंड जॉनसन के द्वारा रिसेंटली अभी जो यहां पर हिप इम्प्लांट जो किए जा रहे हैं वो गलत हैं। हमारी कंट्री में 4,700 करीब इंडियन पेशेंट हैं, तो कब से लेके कब तक का यहां पर हिप इम्प्लांट इनका किया गया है, कौन सी कमेटी यहां पर सेटअप की गई है जिसके द्वारा पे करने की बात की थी यहां पर जो यहाँ पर जो भी पेशेंट है उनके लिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की अगर बात करते हैं आप लोग तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये बताना है आप लोगों को। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है, अभी रिसेंटली डेटा के हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो लगभग 4,33,000 लगभग प्रिजनर लोग हैं यहाँ पर, कितने ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल है कितने परसेंट ये आप लोगों को बताना है। मुस्लिम, दलित और आदिवासी 55% है, वैसे इनकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है जो कन्वेक्शन में पाई जाती है, और कितने परसेंट ये टोटल हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, जो हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली डेटा तैयार किया गया हेल्थ इंडेक्स, ये किसके द्वारा तैयार किया गया जिसमें दिल्ली की पोजीशन गिर गई है और केरला के द्वारा टॉप किया गया है, तो ये है क्वेश्चन। और लास्ट जो क्विज था उसका आंसर देख लेते हैं, ये 1985 में आया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहां पर ये बात की जा रही है जो एरर देखने को मिलती है खासकर किसके रिलेटेड, जो भी जहाज वगैरह उड़ाए जाते हैं तो लगभग 50% तो यहाँ पर ह्यूमन एरर होती है, पर लेकिन बाकी एनवायरमेंट टेक्निकल एरर देखने को मिलती है जो काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। 85% जो चिल्ड्रन है लगभग उनका जो माइंड डेवलप होता है 6 साल की एज तक उनका माइंड अच्छा खासा डेवलप हो जाता है, जो यहाँ पर आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। 85% ऑफ चिल्ड्रन जो बच्चों का माइंड है 85% ये यहाँ पर डेवलप हो जाता है। 85% चिल्ड्रन नहीं, 85% जो माइंड है वो लगभग 6 साल से पहले डेवलप हो जाता है कि कैसे फोकस देना है। विरल आचार्य के द्वारा अभी यहाँ पर अपना रेजिग्नेशन दिया गया, 4 गवर्नर होते हैं यहाँ पर RBI के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है 67th एडिशन था यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी रेस का जो कि केरला के अंदर देखने को मिलते हैं, ये एक नाव रेस है इसके बारे में याद रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है पासपोर्ट सेवा दिवस, ये June 24 को सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें बोला गया कि हमारी कंट्री में आने वाले टाइम में जो पासपोर्ट देखने को मिलेंगे वो चिप वाले पासपोर्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि ई पासपोर्ट बनाने की बात की जा रही है। कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक पर, यहाँ से जाकर आप लोग इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो शेयर करना मत भूला कीजिए ताकि और ज़्यादा बच्चों को इससे फायदा हो सके और एक परिवार के इस तरीके से हम लोग रहते हैं, ताकि सबको यहाँ पर मिलजुलकर साथ में लेकर हम लोग चल सकें। तो ये था आज का डिस्कशन, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।